हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, सब लोग कैसे हैं? एकदम स्वस्थ और खुश। क्या बोलूं, यही मेरी अभिलाषा है। रोज मैं यही बोलती हूँ और रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। काफी देर हो गई है, आज भी ठीक 7 बज रहे हैं घड़ी में। और क्या बनाऊंगी, पहले से ही जब शाम की चाय बनाई थी ना, तभी सोचने लग जाती हूँ ना कि क्या बनाऊं। तो आज मैं बना रही हूँ दाल पकवान। सिंधी रेसिपी मानी जाती है ये, खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन उनका एक स्पेशल ब्रेकफास्ट होता है दाल पकवान। काफी टाइम पहले मैंने बनाया था चैनल पे, अभी एकदम से मेरे को लगा कि क्या बनाऊं, कुछ अलग सा बनाते हैं। तो चलो, दाल रोटी से हटके हम दाल पकवान बनाएंगे। और जब गुप्ता जी ड्यूटी से आए हैं तो ये लेके आए हैं बथुआ, जिसे मैं पिछले 15 दिन से रोज उनको याद दिलाती हूँ। जब से मैं आई ना इलाहाबाद से, तो विंटर सीजन मतलब हमें बथुआ याद आता है। इसकी पूरी बनती है, पराठे बनते हैं, सब्जी बनती है, रायता तो बहुत ही ज्यादा खास। अभी जब मैं लखनऊ में थी तो मम्मी रोज रात में बथुए का रायता बनाती थी, तो वहीं तब से खांसी आई थी तो याद था, आई तब से बोल रही हूँ। तो वो कहने लगी यहाँ तो अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। तो फाइनली उनको आज दिख गया है, और जैसे ही मैंने बैग से निकाला तो मैं खुश हो गई। तो कल बनेगी बथुए की पूरी और बथुए का रायता, वो आपके साथ शेयर करूंगी। मैं सुबह बनाऊंगी नाश्ते में। तो चूंकि मैंने चने की दाल ना भिगो के रख दी थी जब चाय पिया, तो उसके बाद ही शाम को दाल में पानी वानी डाल के धो के रख दिया है, तो दाल जिससे जल्दी गल जाती है चने की दाल। और देर इसीलिए हुई क्योंकि फर्नीचर का काम हो रहा है, वो भैया जस्ट अभी निकले हैं और उनके 7 बज गए आज उनको जाने से, और अब मैंने अपना वीडियो शुरू किया। अभी ऐसा स्ट्रक्चर ही है, वो दरवाजे वरवाजे लग रहे हैं, ऊपर से ग्लास लगवाने को बोला है मैंने गेट में, हाफ ग्लास और हाफ वुड वर्क, और साथ में एक छोटा सा भी बनवाना है बॉक्स जैसा। तो वही सब उनका काम आज, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से दिखाने वाला हो, शेल्फ है और बाकी दरवाजे का उन्होंने काम किया। तो सामने रूम में ही करते हैं, घर में ही। तो फिर वो सब पूरा मैंने साफ किया, जैसा कि बताया 3 दिन से यही करती हूँ। पहले वो भैया जाते हैं, फिर मैं पूरी सफाई करती हूँ, सफाई करने के बाद फिर रसोई का काम शुरू करती हूँ। और तब तक इनका भी आना हो जाता है ड्यूटी से, गुप्ता जी का, फिर अपना फ्रेश व्रेश होना ये सब रहता है उनका, नहाना धोना, और फिर जो भी उनको खाना पीना है, नाश्ता हल्का फुल्का, वो हो जाता है। फिर अब रसोई की शुरुआत करती हूँ मैं। नया साल आने को बिल्कुल करीब है, अब कितने दिन रह गए, 4 दिन 5 दिन। क्या स्पेशल करने वाले हो सब लोग, मुझे कमेंट में बताना। सोच तो मैं रही हूं, पर क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे, आप लोग कैसे कैसे करेंगे। और मैं तो सोच रही हूं कि नए साल में मैं अपने लिए कुछ अपना एक इरादा बनाया है मैंने, तो वो मैं बताऊंगी कि मैं क्या इरादा बना रही हूँ कि नए साल में मैं क्या करूंगी अपने लिए। आप अपने लिए क्या करेंगे वो भी मुझे बताओ, कि मतलब अपने लिए क्या चेंज लाएंगे, अपनी लाइफ में उसको क्या अपनाएंगे 2022 में, तो वो ही सब हम लोग शेयर करेंगे। और ये बथुआ ना पत्ते साफ करके रख लूंगी मैं, फिर मैं सोचती हूँ कि कल, मजेदार बात बता रही हूँ, जैसे मैंने अगर सोचा कि अभी खाना वाना हो गया और मैं बथुए के पत्ते निकाल के साफ करके रख लूँ, तो सुबह सुबह नाश्ते के लिए बथुए की पूरी बनाने में आसान रहेगा। अब सोचो कल हमने बथुए का वीडियो बनाया, तो जैसे हम बताएंगे ना कि ये मैं बथुए की पूरी बना रही हूँ, तो कमेंट आएगा बथुआ क्या होता है, कैसा होता है, पास से दिखाएं। तो इसलिए फिर जैसे मुझे ये याद आई तो मैंने सोचा इसके पत्ते आज नहीं निकालूंगी, कल ही पहले ये गुच्छा दिखाऊंगी, फिर पत्ते निकालूंगी, फिर शुरू करूंगी कि ये है बथुआ और इसकी बनेगी पूरी। हंसी आ रही है ना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमको मतलब वीडियो की वजह से बहुत छोटी छोटी बातें भी याद करके सोच के रखनी पड़ती, क्योंकि अभी हमने बथुआ दिखाया, अब हम कल मतलब बिना डंठल के से पत्ते दिखाएंगे, तो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है ना, ये पत्ते किस साग के हैं जो अभिलाषा इतनी तारीफ किए जा रही है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे रख दूंगी लपेट करके, कल मैं इसको साफ करूंगी। और यहाँ मेरी रसोई की तैयारी हो रही है, और इन दोनों को देखो, इनका शुभम और गुप्ता जी का पोज रोज ऐसे ही रहता है। शाम के टाइम पर वो अपना ड्यूटी से आकर के सोफे का एक कोना पकड़ लेते हैं, शुभम अपना दीवान में लगा हुआ है, थोड़ी देर ट्यूशन से आया है इसलिए गेम खेलना है, और उनका शेंगदाने मूंगफली चने फुटाने जितने ड्राई रोस्ट आइटम उनके लिए डब्बे में रहते हैं, वो अपना निकाल के अपना थोड़ा थोड़ा जो उनको नाश्ता करना है कर लेते हैं, या दूध फ्रूट कुछ भी लेना है तो
आज नहीं खाया है थे फ्रूट्स उन्होंने। चलो शुरू करती हूँ मैं काम। कल के वीडियो में मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मैं बताऊं दिखाऊं कि जो नल में मैंने ये लगा रखा है ना, रबर का है ये एक्सटेंशन, इससे ये शावर भी का भी काम करता है और डायरेक्टली जैसे नल का प्रेशर आता है वो भी आता है। एक सेंटर में होल है उससे नल वाला प्रेशर आता है, साइड में जो बारीक से छेद है उसमें से शावर जैसा, ये इस तरीके से लंबा सा है, ऊपर से ये जो रबर है इसको इस तरीके से नल में फिक्स कर लेते हैं। टैप एक्सटेंशन करके आता है, किचन टैप शावर, इसे बाथरूम में भी लगा सकते हैं। ये जब से मैंने लगाया है तो मेरे कुर्ते पे पानी के छींटे नहीं आते हैं, तो मुझे कल भी कमेंट था और एक दिन और भी था कि दिखाइएगा निकाल के, तो शायद मैं भूल गई थी। और जब मैंने ये लिया था ना तब मैंने दिखाया था, लेकिन वही होता है जब हम लोग किसी न्यू प्रोडक्ट का डेमो करते हैं या हम एडवर्टाइज करते हैं तब लोग इतना इंटरेस्ट से नहीं देखना चाहते ना, लेकिन जब हम उसी चीज को यूज करते हैं तब उन्हें पसंद आता है तो फिर चाहते हैं। और इसकी लिंक, मेरा लिंक में जो भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना उसी लिंक में रहती हैं, वो सारी हैं उसमें हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप देख सकते हैं। मैंने चने की दाल जो भिगोई थी उसे अभी फिर से धो लिया है, हल्दी नमक लाल मिर्ची पाउडर डाला है, अभी तेल नहीं डाला है, नॉर्मल जैसे हम लोग दाल उबालते हैं वैसे ही उबाल रही हूँ, लेकिन इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, तो ये आमचूर पाउडर डालेंगे, ड्राई मैंगो पाउडर, ये पैकेट है मार्केट का ही, तो मैंने यहाँ पीस के ही जार में भर, पिसा हुआ जार में भर के रखा है, काफी दिन चल जाता है, जैसे कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी यूज होती हैं, बड़ा पैकेट लिया और कांच के डब्बे में भर के रखा है, ये जो भरनी है ना कांच की है, तो जितने भी आप मसाले ग्लास जार में डालते हैं तो वो सेफ रहते हैं ज्यादा समय तक। और अब सब चीजें मिक्स कर ली हैं दाल में और पानी डाल दिया, एक कप चने की दाल है तो 3 कप पानी तो आराम से जाता है, चने की दाल पानी सोख लेती है जब पकती है, प्लस इसको पकने में टाइम लगता है तो हम गैस या इंडक्शन में इसको ज्यादा देर तक रखते हैं, 3-4 विसल लेंगे ताकि दाल अच्छे से गल जाए। और मैंने इस दाल को करीब 1-1.5 घंटे पहले ही भिगोया था, और ज्यादा भी कह सकते हैं, शाम की चाय के बाद ही धो के रख दिया था। ये मैंने मैदा लिया है 1 कप के करीब है, 1 कप मैदा हो यदि तो इसमें 2 बड़े चम्मच जितना गेहूं का आटा डाला है, ये इस डब्बे में इसलिए आटा है, परथन यूज करती हूँ ना मैं रोटी वाला, वो वही अलग से रहता है, 1 बड़ा चम्मच सूजी रवा डाला है, रवा, अब नमक स्वाद के अनुसार डाला है, ज्यादा बनाना चाहे तो इसी हिसाब से आप सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं, 1 कप मैदा 2 बड़े चम्मच आटा और 1 चम्मच सूजी, अजवाइन लिए 1/2 चम्मच के करीब और इसको ऐसे रगड़ करके घिस के डाल दिया, और जीरा डाला है 1/2 चम्मच के करीब, इनसे इनका टेस्ट अच्छा आता है, अजवाइन तो मस्ट है, और ये काली मिर्च का पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर मैं पीस के रखती हूँ तो मैंने डाल दिया, आप क्रश करके डाल सकते हैं ऐसे दरदरा सा, और तेल डालना है तो 3 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे, और गरम तेल डालें तो और भी अच्छा है, पर अभी 3 चम्मच तेल गरम नहीं था तो मैंने डायरेक्टली बॉटल से डाल दिया है, मूंगफली का तेल है ये, और पानी डाल करके आटा तैयार करना है, आटा वैसे ही जैसे मटरी वगैरह के लिए करते हैं हम लोग उस तरीके से, पहले सारी चीजें मिक्स कर लें, नमक अजवाइन जीरा, और बस उसके बाद तेल, उसके बाद फिर पानी डाल करके आटा तैयार हो गया, एक तरफ दाल पक रही है और ये हमारा डो रेडी हो गया, अब इसे मैं ढक करके रख दूंगी, फिर जब बेलेंगे तब इसे निकालेंगे। यहाँ दाल पक रही है तो चलो तैयारी कर लेते हैं, इस के साथ ना दाल पकवान के साथ बारीक कटी हुई प्याज नींबू और हरा धनिया चाहिए, तो मैंने प्याज निकाल ली, उसको ऐसे रफली चॉप किया, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज करते हुए इसको बारीक चॉप कर रही हूँ। मैंने गाजर का हलवा बनाया तो इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप किया, फिर मेरे से सवाल आए कि ये चॉपर के बारे में बताएं, शायद मैंने बहुत बार बताया है, जब भी मंचूरियन बनाया इसी से बना रही हूँ, जब से मैंने ये लिया, जब ये लिया तब भी बताया था, इसमें वरखाज लिखा है, वरखाज कंपनी, और ये मेरा लिंक के थ्रू ही ली थी, अभी 6 महीना हुआ करीब, मैं इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ, अभी जब से लिया है तब से यूज कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है,
आगे जब तक चलता रहेगा तो नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं ऑनलाइन इलेक्ट्रिक चॉपर बहुत बढ़िया है, जैसे हैंड चॉपर की कंपैरिजन तो कुछ है ही नहीं। इलेक्ट्रिक का काम होना फटाफट मिनटों में हो जाता है। मैं इसमें मंचूरियन की जितनी भी सब्जियां बारीक करती हूँ इसी से कर लेती हूँ, गाजर का हलवा के लिए भी इसी से किया था, अभी प्याज मैंने इसी से किया है। प्राइस मेरे को याद नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है प्राइस बोलना और खतरा है। मानो कोई चीज तब 500 की थी, अब वो 400 की हो जाए तो और बड़ी दिक्कत। अब तो ये इतनी कर दिख रहा है, या उस समय हमने 400 का था अभी 500 का हो गया तो दिक्कत। आप तो 400 का कह रही थी वो तो 500 का दिख रहा है। तो मीन्स ये कि प्राइस तो देखो कम ज्यादा हो जाते हैं, बस ये हमने कहाँ से लिया ये हम बता सकते हैं। आज की तारीख में क्या प्राइस है, आप जब लिंक देखेंगे तो आपको सामने दिखेगा, बर्खास्त लिखा है इसमें नाम इलेक्ट्रिक चॉपर। और अब मैंने ये बॉल्स बनाई हैं, और ये मैंने इनको बेल करके तेल लगा करके बेला है, और फोक से उनमें ऐसे बारीक बारीक सा होल कर दिया है, ऐसे तो ब्रिक्स कर लिए हैं जिससे फूले नहीं, पूरी जैसा ना बने। हम लोग ऐसे मैदे की पापड़िया कहते हैं होली में बनती हैं पापड़ी ना, वैसे ही पापड़ी चाट के लिए भी छोटी छोटी सी बनाई जाती हैं, तो फिर पापड़ी चाट खाते हैं। कुल मिला के बहुत सारी चीजें होती सब एक जैसी ही हैं, बस उनके नाम अलग हो जाते हैं। अब वो पापड़ी चाट हम लोग मटर के साथ खाते हैं बराबर, ये हम लोग ये चाट दाल के साथ खाएंगे, बड़ी बड़ी पापड़ी हैं। तो ऐसी बन गई है, तैयार हो गई एक एक करके। मीडियम थिक रखा है मैंने, बहुत पतली नहीं और बहुत मोटी मोटी भी नहीं। और अब दाल का कुकर खोला है, दाल हमारी अच्छी गल गई है, पानी मैंने थोड़ा ज्यादा डाला ही था कि मुझे बाद में ना डालना पड़े। और कढ़ाई का तेल निकाल लिया है, थोड़े से तेल में ही जीरा का तड़का लगाया है, हींग डाला है और हरी मिर्ची डाली है, लाल मिर्ची डाली है पाउडर, और ये हमारा तड़का तैयार। थोड़ा सा गरम मसाला जरूर डाला है जिसे थोड़ा स्पाइसी चटपटा सा फ्लेवर आए दाल में, और ये उबली हुई दाल डाल दी है। पानी चूंकि अच्छा इनफ है, मुझे पानी डालने की जरूरत नहीं है। कई बार दाल गाढ़ी रह जाती है चने की दाल, फिर हमें ऊपर से पानी डालना होता है, तो यहाँ पर नहीं। ये अमचूर पाउडर मैंने अभी डाला है थोड़ा सा, इससे जो चाट वाला स्वाद आएगा ना इसमें खट्टापन का, या तो फिर आप इमली डालो, या इमली की चटनी साथ में रहे तो भी बहुत अच्छा लगता है। ये ना एक्चुअली इसके साथ में इमली की चटनी भी सर्व करते हैं, बहुत से लोग पसंद करते हैं। रखी है फ्रिज में मेरे पास, मैं बनाती हूँ ना इमली और खजूर की चटनी, पर मैंने इसमें ही अमचूर डाल दिया है। और ये दाल अच्छे से उबाल लें, खौला लें, और ये देखो दाल जैसे ठंडी होगी ना फिर ये और गाढ़ी हो जाती है। और हम लोग को बहुत गाढ़ी वाली दाल या सब्जी थोड़ी सी कम बच्चों को लगती है ना, गाढ़ी गाढ़ी लगने लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा हर चीज में लिक्विड रखती हूँ। यहाँ किचन क्लीनिंग हो गई, आज ऐसा लग रहा था कुछ तो काम ही नहीं हुआ, मतलब आज दो तीन चीजें नहीं बनी ना। दाल पकवान रेडी हो गए हैं, प्याज नींबू हरा धनिया कटा हुआ साथ में है, और ये दाल रेडी है, मैंने डोंगे में निकाल लिया है, और थोड़ा फोटो शूटिंग कर रहे हैं बगैर तो काम ही नहीं है, कहीं थंबनेल में लगाने के लिए तो कोई थोड़ा सा दो चार में एक अच्छी आती है फोटो सब वो लगाई जाती है। और ये फ्रिज से निकाला है डब्बा गाजर का हलवे का, तो ये दो दिन हलवा खा लिया गया, थर्ड डे है, तीन दिन चल रहा है ये 1 किलो गाजर का हलवा, और हम तीन लोग हैं खाने के लिए। और ये मैंने निकाला है कटोरी में, गर्म करने के लिए रख रही हूँ मैं माइक्रोवेव में। एक और सवाल था कल कि माइक्रोवेव लिया उन्होंने, कौन से बर्तन यूज होते हैं माइक्रोवेव सेफ करके, के जितने भी कांच के बर्तन होते हैं नीचे लिखा होता है उनमें माइक्रोवेव सेफ, वो सब बर्तन यूज होते हैं ग्लास बर्तन क्रॉकरी। तो ये मैंने कटोरी में निकाला है, ज्यादातर हमारे यहाँ इसी कटोरी का यूज करते हैं रेगुलर, ये व्हाइट वाली का। इसमें गर्मा गर्म गाजर का हलवा आ गया, इस तरह थोड़ा सा जितना जैसे दाल गर्म करनी है, थोड़ी सी सब्जी गर्म करनी है, थोड़े से चावल गर्म करने हैं कुछ भी, तो ऐसे बाउल में रख दिया और माइक्रोवेव कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, या कई बार तो 30 सेकंड में ही हो जाती है कुछ चीजें। और ये अब मैं परोस रही हूँ थाली, तो दाल पकवान और ये गर्मा गर्म दाल पकवान के साथ मीठा मीठा गाजर का हलवा टेस्टी वाला, और ये प्याज और नींबू का तड़का हरा धनिया, और ये हो गई प्लेटिंग। तो आज मैंने बड़े दिनों बाद ये व्हाइट प्लेट निकाली है, ऐसे दिल कर गया मेरा कि चलो व्हाइट के ऊपर ये देखने में सुंदर लगेगा, तो मैंने पूछा गुप्ता जी से कि किस में निकालूं, स्टील की प्लेट में या व्हाइट वाली में, तो कह रहे नहीं बहुत दिनों से व्हाइट में नहीं निकाला, तो व्हाइट में रखो, हमने कहा अच्छा ठीक है हम भी यही चाह रहे थे वैसे, तो फिर रख दिया और तैयार हो गई सबकी प्लेट। आ जाओ सब लोग खाने,
आज 24 दिसंबर है, शायद मैं डेट बताना भूल गई, कल 25th है, कल गुप्ता जी की छुट्टी, सैटरडे, फिर संडे, 2 दिन तो बल्ले बल्ले, मतलब सैटरडे संडे पकवान ही पकवान होने, सुबह से शाम तक तो बनता रहना है। एक्चुअली टिफिन का सुबह का इतना रहता है ना बड़बड़, तो मैं शूटिंग नहीं करती थी, अब कल से होगा 2 दिन सुबह के समय में। और बहुत सारे सवाल जैसे रहते हैं कमेंट सेक्शन में, कोशिश करूंगी मैं कि एक एक करके सबके बारे में बताती जाऊं। तो फिर आज बहुत ही मजा आ रहा है खाने में। शुभम कह रहा है कि ये मटर वाली चाट जैसी लग रही है, मतलब ये जो दाल है ना चने की दाल, तो उसे नींबू निचोड़ के खाया, प्याज डली है, तो फर्स्ट बाइट में उसको लगा कि मटर है ये, चाट वाली मटर, वो आती नहीं पीली वाली, क्या कहते हैं उसको, हम लोग तो मटर कहते हैं, यहाँ पे कुछ कहते हैं वटाने, वटाने पीड़े वटाने ना, तो हमने कहा नहीं ये दाल ही है। फिर 2-3 बाइट के बाद उसको ये महसूस हुआ कि हाँ ये चने की दाल है। और फिर बस खाना हो गया, मजा आया। और गुप्ता जी कह रहे थे मीनू तुम ये तो हमें टिफिन में भी दे सकती हो, क्योंकि मैं हमेशा रोती हूँ ना टिफिन के चक्कर में, बस सब्जी रोटी बनानी पड़ती है, तो ऐसे और दाल के साथ बन जाएंगे पकवान, तो बस एक दिन रोटी नहीं रहेगी टिफिन में। अच्छा आइडिया है, सुबह के दिन बनाऊंगी किसी दिन टिफिन में मैं। और बस अब किचन के काम हो चुके हैं, कल क्या बनेगा तो फिक्स है ही है, भतुए का तो पूरी बननी बननी है, साथ में क्या क्या बनेगा, नाश्ते में क्या बनेगा, खाने में क्या बनेगा, वो रात से ही सोचना शुरू है। और अभी कारपेंटर भैया 2 दिन अच्छे से काम कर लें, सैटरडे संडे ये भी रहेंगे तो काम मतलब पूरा हो जाए, फिर दिखाती हूँ मैं आपको फर्नीचर भी, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।